हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट होम। गाइस, आज मैं आपके लिए एक बेसिक स्पॉन्ज केक की रेसिपी लाई हूँ, बट सिर्फ स्पॉन्ज केक ही नहीं है, उसके वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, जो कि वो बेसिक स्पॉन्ज केक से ही बनती है रेसिपी, वो है। और वो स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आती है, बड़ों को भी पसंद आती है, लेकिन बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। सो उसको देखने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। और गाइज, मेरे चैनल को देख रहे हो आप, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोग वीडियो देख रहे हैं, व्यूज़ आते हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। गाइस, मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप जब भी केक बनाएं या कोई भी बेकिंग का कुछ भी करें, आप जितने भी इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, आप जो भी चीज़ें उसमें यूज़ कर रहे हो, आप किसी भी रेसिपी को बनाने के लिए, वो सब की सब नॉर्मल टेम्परेचर की, मतलब रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए। ये नहीं है कि दूध फ्रिज से निकाला और डाल दिया, तो क्योंकि जब आप टेम्परेचर ना ऊपर नीचे हो जाता है तो बेकिंग अच्छे से नहीं होती है। सो सबसे पहले टिप तो मेरी यही थी, और आगे बाकी आप वीडियो देखते चलिए, मैं आपको साथ साथ में बताते चलूँगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, ये मेरा ओटीजी है, इसको हम पहले प्री हीट करने के लिए 180 डिग्री पे रखेंगे। ये देखिए, मैंने 180 डिग्री पे सेट कर दिया है इसको, और साथ में हम ये चेक करेंगे कि ये बेकिंग के है या किसके ऊपर सेटिंग है इसकी। हम इसको बेकिंग के ऊपर सेट कर देंगे ये, एंड 10 मिनट के लिए आप इसको प्री हीट पे लगा दीजिए, ठीक है। आपका टेम्परेचर, आपका जो भी, जिसमें भी आज मैं ओटीजी में बनाने जा रही हूँ आपके लिए, और नेक्स्ट टाइम आप अगर रिक्वेस्ट करोगे, मेरे को मैसेज करोगे, तो मैं आपको गैस पे भी बनाना बताऊँगी। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले जो हम टिन लेंगे उसको ग्रीस करेंगे। मैं इसको बटर से ग्रीस करने जा रही हूँ। मैं कोई बटर पेपर या कुछ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरा, मुझे पता है मेरा ये नहीं चिपकेगा। सो इसको मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। ये सबसे पहले काम आपने पहले करना है। और ये देखिए, मेरा अच्छे से ग्रीस हो गया, इसको अब हम साइड में रख देंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम लेंगे हाफ कप मैदा, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम इन तीनों को मिला देंगे और इनको अच्छे से सीव कर लेंगे, सो दैट कि हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इसलिए मैंने एक और बाउल ले लिया है। अब हम इसमें 50 ग्राम ऑफ बटर डालेंगे, बट गाइस, मैं यहाँ पे 50 ग्राम बटर नहीं डालूंगी, मैं 25-30 ग्राम बटर डालूंगी, क्योंकि मैं साथ में ऑलिव ऑयल ऐड करूंगी। आपकी अपनी मर्जी है, आप टोटली बटर भी ले सकते हो या ऑयल, रिफाइंड ऑयल या कुछ भी डाल सकते हो, सो दैट कि मेरा केक जो है वो सॉफ्ट बना रहे। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल दूंगी, ताकि मेरा स्पॉन्ज सॉफ्ट बने। गाइस, इसमें मैं 3/4 कप के अराउंड कंडेंस्ड मिल्क डाल दूंगी, और ये कंडेंस्ड मिल्क होममेड है। अगर आपको रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। सो अब हम इन दोनों को बीट करेंगे। बीट करने के लिए मैंने ये ब्लेंडर ले लिया है, आप चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो, बट हाथ से ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं इसको पहले 1.2 करूँगी, 2, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा दूँगी। ऐसे ही हमें अराउंड 5-6 मिनट तक बीट करना है। ये हमें इसे
इसी तरह हमें इसे 4-5 मिनट तक बीट करना है। ये देखिए अभी हमारा रेडी नहीं हुआ है, ये बहुत फ्लफी हो जाता है, ये ऑलमोस्ट डबल हो जाता है जब हम इसको बीट करते हैं। सो अभी इसको और बीट करेंगे। मेरा कंडेंस्ड मिल्क और बटर जो है ऑलमोस्ट मिक्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट लाइट वेट हो चला है। अब मैं इसमें 3/4 टीस्पून एसेंस डाल दूंगी। आप वनीला एसेंस हो तो आप वो डाल दीजिए, मेरे पास आज वनीला एसेंस नहीं है, सो मैं मिक्स फ्लेवर फ्रूट फ्लेवर डाल रही हूँ, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सो इसको हम दोबारा से बीट करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे। गाइस अब हमारा ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, अब हम इसमें धीरे धीरे मैदा डालेंगे। मैदा और बेकिंग सोडा और कॉर्नफ्लोर जो हमने मिक्स किए थे, सीव करके रखे थे सेपरेट, अब उसको धीरे धीरे हम डालने शुरू कर देंगे। सारा एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि इससे हमारे इसमें ना लंप बनने के चांसेस रहते हैं। हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और ग्रेजुअली थोड़ा सा हम मिल्क भी ऐड करते जाएंगे। इसमें अप्रॉक्सीमेट हमारा 60-70 ml मिल्क यूज़ होता है, बट मैं सारा एक साथ नहीं डालूंगी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लंप बनने के चांसेस रहते हैं। आप इसको हल्के हाथों से, ये डो खत्म हो गया हमारा, अब थोड़ा सा इसमें हमें मिल्क डलेगा और ये देखिए मेरा इतना थोड़ा सा दूध बच गया। सो हम इसको ऐसे से मिक्स कर देंगे। गाइस इसके डायरेक्शन का भी आपने ध्यान रखना है, आपका केक तभी फ्लफी होगा जब आप इसकी डायरेक्शन भी सही रखेंगे। गाइस जैसे कि हमारा बैटर रेडी है, अब ये देखिए इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए और बैटर भी हमारा फूल चुका है। अब इसको हम टिन में डाल देंगे। गाइस मैं ना एक पोर्शन में आपके लिए, मैंने कहा था ना एक सरप्राइज है, इसलिए मैं इसके सिर्फ हाफ पोर्शन में नट्स डाल दूँ, मैं दूसरे पोर्शन में नट्स नहीं डालूंगी। और हम इसको पोर कर देंगे। गाइस आपने हमेशा अवन को हमेशा प्री हीट करना है, अगर प्री हीट नहीं होगा तो हमारी बेकिंग अच्छे से नहीं होगी। गाइस हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है, ये देखिए सॉफ्ट, ये देखिए केक की असली पहचान यही होती है कि आप जब उसको उंगली से दबाओ तो वापस वो अपनी जगह आ जाए। तो अभी इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको डीमोल्ड करेंगे। सो गाइस थोड़ा सा हमारे केक का टेम्परेचर कम हो गया है, तो अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। सो मैं एक नाइफ लूंगी और नाइफ से थोड़ा सा एजेस तो वैसे निकल चुके हैं, थोड़े से एजेस ऐसे, और प्लेट हम ऐसे रखेंगे और इसको थोड़ा सा डैप डैप करेंगे। हो गया। अब जो रेसिपी मैं आपको कह रही थी वो, उसके लिए मैं क्या करूँगी, आपको अगर वो बनानी है तो आपने ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने। तो सबसे पहले मैं केक को कट करूँगी, आपको जिस शेप में चाहिए आप उसमें काट सकते हो। ये देखिए कितना स्पॉन्जी फ्लफी है हमारा केक, ये देखिए बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी है। और ज़रूरी नहीं है आप लोग एग डालोगे तभी केक अच्छा बनेगा, ये देखिए कंडेंस्ड मिल्क के साथ कितना अच्छा बना है। अब आप मेरी नेक्स्ट रेसिपी के लिए आप 2 मिनट के लिए इसको और ठंडा होने देंगे, फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। तो गाइस नेक्स्ट रेसिपी के लिए ये मैं मिक्स फ्रूट जैम ले लूँगी, और क्योंकि मैं थोड़ा सा बनाऊँगी, ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। अगर हमने ये पूरा केक बनाना है इस रेसिपी के लिए, इसको हम बनाएंगे उस रेसिपी के लिए, तो हमें 2 टेबलस्पून के आसपास
जैम लगेगा, तो मुझे थोड़ा सा बनाना है इसलिए मैं थोड़ी क्वांटिटी में लूँगी। और मैं थोड़ा सा लूँगी क्योंकि मुझे थोड़ी क्वांटिटी में बनाना है। गाइज आपको 6 इंच टिन के लिए, अगर आपने 2 टेबलस्पून जैम लिया है तो आपको 1 कप के अराउंड पानी डालना है उसमें, और आप चाहो तो उसमें आप रेड कलर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रही हूँ तो मैं इसमें जैम लेके मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ये ऐसे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैम जो है वो पानी में अच्छे से घुल जानी चाहिए। सो गाइस हमारा जैम ऑलमोस्ट घुल गया है। मैं एक प्लेट लूँगी और इसके छोटे छोटे स्लाइसेस कर दूँगी। आप अपनी विश के अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं बनाना है, मेरे घर में अभी बच्चा नहीं है कोई भी खाने वाला। तो जब मेरा बेटा हॉस्टल नहीं गया था तो वो बहुत पसंद करता था इसको, तो इस तरह रख देंगे। और हम साथ में ये कोकोनट पाउडर है ये भी चाहिए हमें थोड़ा सा, अगर आपकी इच्छा है, अगर आपके बच्चे खाते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी कि ये जैम के पानी में मैं ये पीस डिप कर दूँगी ऐसे, और इसको निकालना और सीधा कोकोनट से। गाइस ये बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे बड़े सब लोग इसको खा सकते हैं। मार्केट में जाओगे तो आप इनको मेडलिन के नाम से जानते हो, मार्केट में ये मेडलिन के नाम से बिकते हैं और बच्चे इनको बहुत ही चाव से खाते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, और पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।